Actually, पानीपत का युद्ध बड़ा ही भयंकर था. आपने तो देखा ही होगा. I mean, पढ़ा होगा हिस्ट्री में. नजदीक से देखा. अच्छा, कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है. हमें और आप सबको एक बार फिर से पानीपत का युद्ध देखने को मिलेगा. नहीं, सच में नहीं, सिनेमा में. अच्छा, हमारे लोग देख लो, मुफ्त में युद्ध देखने को भी तैयार है. वाह, युद्ध देख. तो आप सब जानते हैं कि फिल्म आ रही है पानीपत, और आज हमारे बीच इसी फिल्म की स्टार कास्ट आने वाली. तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा, वेरी स्टाइलिश, वेरी हैंडसम, बोले तो हम सबके चहेते सुपरस्टार मिस्टर संजय दत्त. जोरदार तालियां एक बार संजू सर के लिए. संजू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. हम लोग बड़े खुशनसीब है कि इस सीजन में दूसरी बार आज संजू बाबा की एंट्री हो रही है. बहुत बहुत शुक्रिया. पाजी, आपको कैसा लग रहा है इतने सालों से, जहां पे भी आप लोग जाते हैं, आप लोग तालियां बजाते, इतना चिल्लाते, इतना प्यार मैंने किसी के लिए नहीं देखा. कैसा फील होता है आपको अंदर से? मजा आता है आपको अंदर अंदर सोच के? बहुत मजा आता है. बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है. थैंक यू, थैंक यू सर. पर ये आपको किसी ने बताया, आप जब पिछली बार आए थे हमारे शो की टीआरपी हाईएस्ट आई थी 4.1. मतलब आपको पता है, आपके एपिसोड में जब इतनी रेटिंग आई ना, चैनल वैसे ही केक काट देता है सुबह शाम. बड़ी इज्जत करने लगे हमारी. अर्चना जी को भी 3 सूट नए सिलवा के दिए उन्होंने. संजू सर की फिल्म आ रही है पानीपत, आप सबने ट्रेलर देखा होगा. बड़े कमाल लग रहे हैं संजू सर आप. वैसे जो भी किरदार करते हैं आप कमाल ही लगते हैं. थैंक यू सर. ये जो पानीपत की लड़ाई के ऊपर आप फिल्म कर रहे हैं, सही सही बताना, आपको पानीपत के युद्ध के बारे में पहले पता था स्कूल में कि आप फिल्म करने के बाद ही पता चला आपको? पानीपत मुझे पता था बस. पानीपत की लड़ाई का नहीं पता? नहीं, कुछ भी नहीं. तो हिस्ट्री बचपन में नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी, लेकिन मार्क बोल कम मिलते थे. तो सबसे ज्यादा मार्क्स किस में कम आते थे आपके? हर चीज में. जैसे भी कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई में कम था या मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी या अच्छे से, लेकिन आज ऊपर वाले ने ऐसा वक्त लाया आपके लिए, लोग आपके बारे में पढ़ रहे हैं, आपके बारे में जो फिल्म आई, कितने लोगों को कुछ सीखने को मिलता है. पर बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है सर आपकी. अच्छा, जैसे बच्चे नहीं स्कूल में फैंसी ड्रेस में बनते, कभी गांधी जी बनते हैं, कभी चाचा नेहरू बनते हैं, भगत सिंह बनते हैं, संजू सर आपने कभी बचपन में ऐसा कोई फैंसी ड्रेस किया था कभी? यार बचपन में मैं प्लेज करता था, लेकिन उसमें हमेशा नौकर का रोल मिलता था. इतना लंबा चौड़ा नौकर रखते? अच्छा, स्कूल में भी तो लंबे ही होते होंगे आप. लंबा ही था, लेकिन अभी जैसे एक प्ले में मेरा नाम धनी राम था. धनी राम? धनी राम. अच्छा, गुलाब चंद. क्या नाम है? अच्छा, ऐसे करेक्टर किया आपने? ऐसे करेक्टर किया. तो मालिक तो आपके सामने मालिक लगता नहीं होगा, नौकर ए चलना हट. वाओ. संजय सर, एक आप हो, एक सनी देओल साहब, ये दो को हम जब देखते हैं ना, हमें लगता है कि जैसे आपको कोई पीट नहीं सकता सर. लेकिन सही से, आप कभी स्कूल में मुर्गा बनाया कभी टीचर ने किसी ने? अरे भैया, मुर्गा बनाया, डंडे खाए. अच्छा, मुझे लगता था अमीर स्कूलों में शायद नहीं होता होगा ये. नहीं 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 नहीं, मुर्गा भी बनाऊ. अच्छा, मुर्गा. हाँ. पर आपको पता है ये योगा अब जाके फेमस हुआ, हालांकि फॉरेनर जो है वो बड़ा फॉलो कर रहे हैं हमारे योग को, हमारे लोग थोड़े आलसी हैं, लेकिन ये स्कूलों में हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी भाई. बिल्कुल सही. मुर्गा बन के हैमस्ट्रिंग जो खुलता है ना, क्या मतलब स्ट्रांग होता है आपका ग्लूट. तो जब भी कभी आपको टाइम मिले घर में मुर्गा बन जाया करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. सनी सर, एक और सवाल था स्कूल से जुड़े, क्योंकि बच्चों के सवाल थे तो उन्होंने मुझे बोल दिया पूछने के लिए. बोलते कभी आपने सुनील दत्त साहब के झूठे सिग्नेचर किए मार्कशीट पे अपने? यार वो तो बहुत किए. बहुत किए? मम्मी के भी किए हैं यार. मम्मी के भी और पापा के भी साइन करके जाते थे आप? मेरे नहीं किए. अच्छा. लेकिन पापा मम्मी के जरूर किए, टीचर के भी कर देता था. तो मतलब मम्मी पापा के झूठे साइन करके टीचर को दिखा दिया, और टीचर के झूठे साइन करके मम्मी पापा को दिखा दिया? बिल्कुल. टीचर ने कभी कहा नहीं अपने पेरेंट्स को लेके आइए आप, हम बात करना चाहते हैं रूबरू?
हम लेके आए थे. अच्छा. और मेरी मम्मी अपने वेस्टर्न पिक्चर्स देखे हैं क्या? हाँ वेस्टर्न. तो चप्पल वो वैसे फेंकती थी जैसे क्लिंट ईस्टवुड. तो मतलब तो पापा से नहीं कभी मार पड़ती थी पाजी आपको? अरे बाप बहुत मार. Really? अच्छा. बहुत मार. मैं तो सुनील दत्त साहब से एक बार मिलने का सौभाग्य मिला था तो ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पीटते वो एक ही मुलाकात में पर मुझे जानना था कि दत्त साहब सीरियसली गुस्सा करते थे आप पे. गुस्सा भी बहुत करते थे, बेल्ट से पीटते थे यार. हैं? हाँ. लिटरली. ऐसा क्या किया था आपने? शैतानी करता था यार बहुत. सर जैसे आपकी फिल्म जो आई संजू सुपर डुपर हिट हुई, लोगों का प्यार है ये कि उसमें संजू सर खुद भी नहीं थे, रणबीर कपूर इनका किरदार निभा रहे थे, लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म को. सर उसमें हमने देखा कि उस आपकी लाइफ में आपकी 308 गर्लफ्रेंड थी तो माला भी 108 के बाद खत्म हो जाती है. सर आपको कोई याद है पहली गर्लफ्रेंड आपने किस उम्र में बनाई थी पाजी? काफी छोटी उम्र में. अच्छा. और मेरे पड़ोस की मतलब दोस्त थी. अच्छा. हाँ. तो चैरिटी बिगिंस मतलब आसपास मोहल्ले से शुरू किया. हाँ, तो मेरी माला 308 की है. और यहाँ 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 खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हो सकता है. पाजी आई लव यू. तो पाजी ये 308 गर्लफ्रेंड वाला जो चर्चा था ये भाभी को पहले से पता था कि उनको फिल्म देख के पता चला कि ये क्या? व्हाट यार, ये जब फिल्म रिलीज हुई तो पूछा गया. अच्छा. तो मैंने बोला पुरानी बातें भूल जाओ अभी क्या. उन्होंने पूछा ही होगा कि ऐसे 308 में तो कोई तो होगी जो इन टच है, अब हालचाल ही पूछने के लिए. नहीं नहीं कोई टच में नहीं है. अच्छा. टच में है. यार एक बार जोरदार तालियां संजू पाजी के लिए. सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. अच्छा सबने संजू देखी हुई है, ऑलमोस्ट सबने देखी है. सर उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आपने जेल में एक रेडियो का प्रोग्राम शुरू किया था और फिर फर्नीचर भी बनाते थे, फिर वो जो न्यूज़पेपर के लिफाफे बनाते थे. पाजी कितनी देर में आपने ये सब सीख लिया था? कपिल मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि वहाँ जेल में काम करना ज़रूरी होता है. जी. तो उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें तो बाहर नहीं मार सकते कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, अगर सज़ा कम करनी हो तो काम करना पड़ेगा. अच्छा. तो मुझे एक पेपर बैग का 10 पैसे मिलते थे. अच्छा. अच्छे पैसे हैं यार. पाजी पैसों का करते क्या थे जेल में जो कमाते थे पैसे? आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो पैसे मैंने इकट्ठा किए ताकि राखी के दिन पे मैं अपनी बहनों को दे सकूँ. हाउ स्वीट. मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका. मुझे याद है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 9th में, तब खलनायक रिलीज हुई थी और उस समय वो ब्लैक हो रही थी अमृतसर में. लेकिन मैंने तब देखी जब मेन सिनेमा से उतर के वो 5 रुपए वाले वीडियो हॉल में लग जाती थी ना. अच्छा. हाँ. उसमें क्या करते थे, जैसे हम लोग खलनायक देखने गए तो पहला पार्ट खलनायक का चला और रात को 10 बजे के बाद एकदम से कोई और ही नंगा नायक आ जाता था. तो इतना इतना हमें क्रेज होता था. सर हंसी मजाक तो खैर अपनी जगह चलता रहता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज का जो यूथ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी नशे की लत में है या जिन्होंने नशा करना शुरू किया है अभी, वो शायद इस फेस को शुरू शुरू में एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको उसका रिजल्ट नहीं पता है. तो क्या कहना चाहेंगे संजू भाजी आप उन लड़कों को, नौजवानों को? यही कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ड्रग्स के खिलाफ रहा हूँ और मैं ये दौर से गुजर चुका हूँ. जी. तो बी हाई ऑन लाइफ, बी हाई ऑन वर्क. नशा काम में होना चाहिए, अपने माँ बाप से होना चाहिए, अपने परिवार से होना चाहिए, अपनी जिंदगी का नशा वो एंजॉय कीजिए. आई लव यू. थैंक यू सर. तो संजू सर के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त है इस फिल्म से एक और खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस को यहां पे इनवाइट करने का. प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल कृति सनन. Yeah.
शिवा हर दिशा में शिवा आज गंजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांस में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज गंजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा जोरदार तालियां कृति के लिए और हमारे साथी कलाकारों के लिए. कृति आप बहुत प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. कृति अभी हाल ही में हाउसफुल 4 के लिए आई थी. बहुत बहुत बधाई आपको. सुपर डुपर हिट हो गई आपकी फिल्म. आइए कृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका. कृति मैंने पानीपत का ट्रेलर देखा. जितने संजू सर अब्दाली के करेक्टर में खतरनाक लग रहे हैं, उतनी ही आप रानी पार्वती के किरदार में बड़ी प्यारी लग रही हैं आप. थैंक यू. थैंक यू. पहले आपको पता है अहमद शाह अब्दाली का रोल पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था. हाँ, थोड़ी सी इनसे हो गई गलती. वो होता है, जो अब्दाली की ड्रेस नहीं है जो जिसमें चेन वेन लगी है, फिर उन्होंने 3-4 चेन निकाल कर उन्होंने छोटे ताले लगा के एयरपोर्ट पे भेज दिए. तो प्रोडक्शन वालों ने पकड़ लिया. तो इसलिए तेरी जो इमेजिनेशन है ना वो कमाल की है. देख लो अभी. मैं सच में आपको इमेजिन करने लगी थी अब्दाली के रूप में. अब ये बोलेगा अग्निपथ में मैं एक्चुअली कांचा चीना के रोल के लिए सिलेक्ट हुई थी, है ना. अभी क्या है, हम यही सब चीजें इमेजिन कर सकते हैं. हमारी जो 308 गर्लफ्रेंड है नहीं बाजी. पानीपत में कृति ने जो साड़ी पहनी है वो 9 मीटर की साड़ी पहनी है. नॉर्मली वैसे तो अर्चना जी का तौलिया 12 मीटर का होता है. अरे सुबह तौलिया यूज करती, शाम को उसकी डबल बेड की चादर बना के उसी पे सो जाती है. पर एनीवे एक्सेप्शनल केस है. नॉर्मली मैंने इसलिए कहा कि साड़ी जो होती है 6 मीटर की होती है. कृति जो है 9 मीटर की साड़ी पहन, ऊपर से तलवार भी चला रही है. कृति ज्यादा मुश्किल क्या था, 9 मीटर की साड़ी को संभालना या तलवार को चलाना? नवारी साड़ी जो है उसमें तलवार चलाना, उसमें तलवार चलाना मुश्किल था. क्योंकि मैं एक्चुअली जब रिहर्सल कर रही थी, मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं अपने ट्रैक पैंट्स में और मतलब टैंक टॉप ट्रैक पैंट्स और नीचे स्पोर्ट शूज थे उसमें प्रैक्टिस कर रही थी. और फिर जब सेट पे पहुंची तो वो साड़ी में ऑब्वियसली आपके मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उतना इजीली नहीं हिल डुल पाते हो. प्लस हम धूल में, ड्राई सैंड थी और वो सीक्वेंस ऐसा है कि और लोग भी धूल उड़ा रहे हैं जानबूझ के. हाँ. दूसरों का विजन ब्लॉक करने के लिए, और खुद का भी विजन ब्लॉक हो रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था उसमें. तो एक तो था कि सही ढंग से करना है, और ऊपर से ये था कि किसी को सच में ना लग जाए, बिकॉज कर तो हम एक्टिंग रहे हैं. अच्छा संजू सर चाहे हीरो का रोल करें चाहे विलन का, कोई भी रोल करें, ये उसमें बिल्कुल एकदम फिट बैठ जाते हैं. सर अपनी बायोपिक में क्यों नहीं फिट बैठे आप, क्यों नहीं किया उन्होंने आपको? नहीं मतलब मैंने, उन्होंने आपसे कहा था कि आप ये करो किरदार? नहीं मुझे कहा तो नहीं था, लेकिन अभी कितनी पिक्चरें करें यार. हाँ ये भी है कि नहीं, किसी दूसरे को भी मौका देना चाहिए. नहीं, बिल्कुल. एक्चुअली आई डोंट नो इफ ही हैज टोल्ड यू ऑल, लेकिन पानीपत इनकी 200th फिल्म है. 200 फिल्में हो गई, वाओ. वो भी आपने गिनी है ये ऊपर नीचे हो सकती रही? जैसे 308 है वैसे. वैसे संजू भाई आपको किसी की बायोपिक करनी हो तो आप किसकी बायोपिक करना चाहेंगे? यार मैं किसकी, डोनाल्ड ट्रंप अच्छा रहेगा यार. बिंदास आदमी है, कुछ भी बोल देता है. एक्चुअली हाँ और क्या. और एक दिन मैं देख रहा था ट्विटर पे, बाजी पता नहीं आप इतना फॉलो करते हो कि नहीं, तो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम योंग उन, उन्होंने लिखा हुआ कि मेरे पास जो है वो न्यूक्लियर बम है और उसका बटन जो है मेरे टेबल पे लगा हुआ है. और आगे ट्रंप उनको रिप्लाई कर रहे, कहते मेरे पास भी बटन टेबल पे और तुमसे बड़ा है. और बच्चों की तरह लड़ रहे हैं. तो मैंने कहा अगर इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट ये सब कर सकते हैं ट्विटर पे, तो हमने तो फिर खास कुछ किया ही नहीं. अरे संजू सर ने फिल्मों में हीरो के साथ साथ विलन के भी बड़े कमाल के रोल किए हैं, और मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ, बिकॉज हम सबकी लाइफ में हीरो भी होता है, खलनायक भी होता है. जैसे कई पत्नियों को लगता है कि मेरे पति हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो उनकी लाइफ में वो खलनायक है. तो ऐसे आप अपने मजेदार किस्से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर. कहाँ से हैं सर आप? मैं वाशी से आया हूँ, मेरा नाम राकेश सर जाइए. बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं. बहुत खुश है ना? बहुत खुश लग रहे हैं. लाइफ में खुश रहना ही चाहिए. सर नाम मैं भूल गया आपका. मेरा नाम राकेश हरजाई है. राकेश हरजाई.
हर जाई हर जाई का मतलब क्या होता है वैसे? हर जाई का मतलब दिल, ऐसा कोई बोला दिल लूटने वाला, दिल लूटने वाला लग रहा है ना, दिल लूटने वाला एकदम। मुझे तो लगता है ये रजाई लूटने वाला। ओके, तो हरजाई साहब क्या किस्सा है आपका? ऐसा है कि मैं जब भी वीकेंड प्लान करता हूँ मेरी वाइफ के साथ, तो मेरे जो सास ससुर है वो उनका कॉल आ जाता है कि मेरा तबीयत खराब है हमारा, आप प्लीज मेरी लड़की को भेजो। बीवी डॉक्टर है आपकी? पूरा मैं समझ, वाइफ डॉक्टर है? नहीं, क्यों बुलाते हैं तबीयत खराब होने पे? पता नहीं क्यों ऐसा है, ये जानना है जरा। तो फिर क्या करते हैं आप? फिर क्या करें, भेजना ही पड़ता है, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। तो बीमार कौन होता ज्यादा, सास या ससुर? ज्यादा करके सास। अच्छा, ससुर रोमांटिक नहीं होते होंगे? तो आपका कहने का मतलब है कि आपके जो इन-लॉज हैं वो आपकी लाइफ में खलनायक है। खलनायक है, यस। ये बात आपने यहाँ तो बोल दी। हाँ। वाशी जाने में कितना टाइम लगता है? सर, वाशी जाने में तो एक घंटा लगेगा। मैं ना एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं आपको बता, एक घंटे बाद आपका समय बड़ा खराब चलने वाला है। धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.